आज एकमा विधानसभा प्रखंड कार्यालय पर आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जनादेश से विश्वासघात का आज धरना प्रदर्शन था। उस धरना प्रदर्शन में हमारे बीच उपस्थित है हेलो हमारे मित्र और एक वरिष्ठ समाज सेवी भाई महेश सिंह जी, भाई सोनू तिवारी जी, भाई हरि भट्ट जी, भाई सुबोध जी, भाई दीपक पांडे जी, भाई बलवंत जी, भाई चित्रंजन सिंह जी, मेरे प्रिय भाई मित्र भाई श्रीनाथ सिंह जी, भाई सकलदेव राम जी, मेरे प्रिय भाई श्री तारकेश्वर सिंह जी, श्री निवास प्रसाद जी, प्रिय मित्र भाई विष्णु शरण तिवारी जी, राम नारायण सिंह जी, भाई दिनेश सिंह जी, भाई विक्की सावन जी, आज इस अवसर पर यहाँ उपस्थित भाई पीयूष से प्रियदर्शी जी, सूर्यनंदन शाही जी, हमारे बड़े भाई के समान है भाई सतीश सिंह जी, भाई विनोद सिंह जी मुखिया, भाई गौरव किशन जी, भाई सरेंद्र सिंह जी, भाई ओम प्रकाश जी, भाई प्रकाश सिंह टुन्नू जी, भाई राहुल दुबे जी, रुपेश सिंह जी, गजेंद्र ओझा जी और इस अवसर पर यहाँ उपस्थित थे हमारे मीडिया से जुड़े और मित्र स्वरूप सभी पत्रकारों सरकार सदन इस पूरे आक्रोश से के रूप में यहाँ उपस्थित थे हमारे सभी एकमा के हमारे वरिष्ठ सभी कार्यकर्ता साथीगण, हमारे सभी नौजवान मित्रगण। प्रखंड मुख्यालय में यह कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए हमारे अन्य सभी अति सम्मान्य भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आज ये आप लोगों ने कार्यक्रम आयोजित कर दिए और इस राज्य के इस सूबे के मुख्यमंत्री जिन्होंने विश्वासघात हमारे साथ जितना किया हो न किया उसका तो जवाब हम देना जानते हैं, हम देंगे, लेकिन इस राज्य के साथ इस राज्य के 13 करोड़ जनता के साथ जिन्होंने विश्वासघात किया है, इसलिए मैं आपके प्रति हृदय से सम्मान व्यक्त करता हूं कि 13 करोड़ जनता के विश्वासघात की बदला लेने के लिए एकमा के हमारे साथ ही बैठ करके उनका यह प्रचंड तरीके से उनका विरोध करने का काम कर रहे हैं। मेरे मित्रों, यह विश्वासघात इस राज्य की जनता का, विश्वासघात इस राज्य के विकास के साथ है, विश्वासघात इस राज्य के बढ़ते विकास के करीब। तो मैं बताना चाहता हूँ, हमारे आदरणीय सुदामा तिवारी जी हैं, मैं ज्यादा दिन का नहीं, मैं 2000 की बात मैं बताना चाहता हूँ। जब 2000 में आप इस जंगल राज के खिलाफ आपको नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने प्रोजेक्ट किया और जब झारखंड भारतीय जनता पार्टी की संख्या उस समय भी जाते थे, आपको उस समय भी आपको चरित्र अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, लोगों के अंदर आपके विश्वास को स्थापित करना पड़ेगा। आपने वो किया नहीं, आप अब करने का काम नहीं किया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों का सम्मान और गुजरात में रहते हुए भी देश में उनकी एक अलग सम्मान थी, देश के लोगों को विश्वास था कि भले देखे हो या ना देखे हो, नरेंद्र मोदी को सुने हो या ना सुने हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जो कहता है सो करता है, नरेंद्र मोदी है तो सब मुमकिन है, लोगों के मन में उस समय भी था और इसलिए लोगों ने नरेंद्र मोदी को वहां उस समय नेता के रूप में स्थापित किया। चुनाव हुआ, आप भी चुनाव लड़े, 2014 में आप भी चुनाव लड़े, अलग अलग पार्टियां भी चुनाव लड़ी, नरेंद्र मोदी की पूर्ण बहुमत की सरकार में पहली बार 2014 में गैर कांग्रेसी पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में एनडीए की बनी है, पूर्ण बहुमत बीजेपी को दिया, लेकिन हम एनडीए के साथ चुनाव लड़े थे
आप भी उसमें आए थे, उसमें आपके दो सदस्य मात्र चुन करके गए थे, फिर आप 15 मई आ गए, 15 मई आप फिर आ गए, फिर आपके अंदर 15 के चुनाव में अपने महागठबंधन में गए, 17 में फिर आप वहां से 20 महीने में भी आप शाहीमान कर करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ किए। अब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, अब मैं बिहार में जिंदा नहीं रह सकता, बिहार में पूरा जंगल आज प्रकोप हो रहा है, मैं मुख्यमंत्री हूँ लेकिन मेरा कुछ नहीं चलता है, एक बार मुझे माफ कर दीजिए और माफ कर करके मुझे पुनः अपने साथ लाने का काम करता है। राज जो त्रस्त है, राज के लोग उसकी त्रस्तता और त्राहिमान के जो भाव है उसको समाप्त करना मेरी प्राथमिकता है और इसलिए मैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही आगे चुनाव लड़ूंगा। और याद होगा आपको जब यहाँ से वो सीमांत की यात्रा कर रहे थे, हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ होंगे और सभी कार्यकर्ताओं ने जिस तरीका से इतने लोग के साथ में होंगे, एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, एक एक और जंगलराज के खिलाफ रहने वाले एक एक लोग, वो चाहे किसान मजदूर, चाहे वो व्यवसायी जो लूटे जाते थे दिन दहाड़े, वो तमाम लोग रोडों पर निकल करके उनका समर्थन करने का काम किया था और समर्थन कर करके बताया था कि हम जंगल राज के खिलाफ हैं, नीतीश जी आप आगे बढ़िए, जंगल राज क्या आप सफाया करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, हम आपके साथ हैं, हम एकमा के लोग आपके साथ हैं, हम साउथपुर के लोग आपके साथ हैं, मसूरपुर के लोग आपके साथ हैं, हम पूरे एकमा से लेकर के पूरे जिला और पूरे राज्य के लोग हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए, जंगल राज को समाप्त करना हमारी प्राथमिकता है, इसलिए आप आगे बढ़िए। और मेरे मित्रों, जब 2000 में जब चुनाव हुआ था, मैं भी आपके आशीर्वाद से उस समय वहां जीत करके गया, आपने आशीर्वाद देकर मुझे भी भेजा था, 7 दिनों के लिए आपको मुख्यमंत्री पद का शपथ दिलाएगा, 7 दिन आप लौटाए और उस समय भी आपकी संख्या और गिन करके 33 संख्या आपकी बैठी, 67 संख्या भारतीय जनता पार्टी की और 33 में भी कि हमने जो कहा है उसको करने का हमें ताकत, और हमारा संकल्प भी है, जो हम कहते हैं तो करते हैं, वो हमारा संकल्प है, वो हमारा मूल मंत्र है और मूल मंत्र के साथ हम कहीं भी कोई कोताही नहीं किया। 67 हमारा था, हमारा कोई नेता हो सकता था, हमारा उस समय उप मुख्यमंत्री के रूप में सुशील कुमार मोदी उस समय वोट लिए थे, वह मुख्यमंत्री का वोट ले सकते थे, आपको कोई इतराज भी नहीं होता क्योंकि आपको कोई जानता है, आपको जनाने और आपको पहचान बनाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी और राज्य के लोगों ने किया था, भारतीय जनता पार्टी के आग्रह पर वह हो सकते थे, लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नहीं, मैंने कहा है पहले, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा कि मैंने घोषणा किया है, इसलिए आपको दिलाया गया, दोबारा चुनाव हुआ, आपको देने का काम भारतीय जनता 12 हमारे सिटिंग सांसद से काट करके हमने आपको आपको फिर चुनाव बीच में हुआ, कितने सीट पर आप जीते, कितने सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीते भी भाई ओम प्रकाश देवी बता रहे थे, लेकिन क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने फिर कहा कि नहीं, हम जो कहते हैं, जो हमारा मूल मंत्र वही करते हैं, फिर हम आपको नेता के रूप में हमें आपको स्वीकार किया, सरकार चल रही थी, लेकिन गाँव में क्या संदेश था, लोग कह रहे थे कि नहीं तुरंत उससे निपटना चाहिए, तुरंत पढ़ना चाहिए, हम लोगों को लोग कहते थे कि नहीं बहुत बदनामी हो रही है, बहुत गलत संदेश जा रहा है, काम नहीं हो रहा है, अराजकता फैल रही है, लेकिन हम लोग क्योंकि कहे थे, हम लोग उसको बर्दाश्त कर करके सुधारने का प्रयास कर रहे, लेकिन आपको पुनः हुआ, हमारे मित्र बोल रहे थे पुनः हुआ, आपको सपना ध्यान में आ गया बेड़ी लाल का, कहीं फिर 24 में चुनाव का फिर हम प्रधानमंत्री यहाँ पर जाए, मुख्यमंत्री आपने एक बार अपने बहुमत से नहीं बन करके दिखाने का काम किया, जब आप मुख्यमंत्री बने तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की वजह से या दूसरे दलों में आपको उससे वो कहता है कि आप मौसम वैज्ञानिक के की बात है तो सबसे बड़े वैज्ञानिक आप इसमें हैं, एकदम में आपने तुरंत आपको लगा कि नहीं अब इस पर सब लोग हमको मान लेगा विपक्ष का नेता, मैं कहता हूं इंतजार करिए मुख्यमंत्री जी, व्यक्तिगत तौर से मैं आपका व्यक्तिगत सम्मान करता हूं, लेकिन आपका काम करने की शैली, आपके बिहार के वासियों के साथ जो अन्याय करने की शैली, बिहार के वासियों के साथ जो जिस तरीका से उनके विकास में अवरोध डालने की जो आपकी जो शैली है, वह बिहार वासियों कतई बर्दाश्त नहीं है, बिहार वासी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और एकमा तो उनका शहीदों वीरों की धरती है, एकमा तो कतई बर्दाश्त नहीं करने का काम करेगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ किस धरना के माध्यम से, आपका धरना बड़ा सांकेतिक धरना, हम पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को भी नहीं बुला पाए,
रात में एकाएक तय हुआ और इस धरना को संकेतिक तौर पर हमने एक संकेत देने का काम कि आगे हमारी लड़ाई चाहे सड़क हो चाहे सदन हो, जिस तरीका से इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हम सबको पता है इस बोध विधा करके आप बैठे, आपका जन्म भी हुआ था कांग्रेस के खिलाफ, आपका जन्म भी हुआ था या महागठबंधन और अराजक व्यवस्था या जनरल राज के खिलाफ, आपका तो जन्म ही हुआ, आप तो उसी से निकले हुए लोग हैं, आप उसी के गोद में जाकर के बैठ गए। आप कांग्रेस में और महागठबंधन राजद में उस समय भी रहते, कौन आपको पूछता, कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन उसके खिलाफ आपका जन्म हुआ और जहां जन्म जिसके खिलाफ हुआ उसी के गोद में जाकर के बैठ गए, समय बताएगा। जुड़ो दीक्षांत से, पाओ छुटकारा कोचिंग इंस्टीट्यूट से, गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल।